भारत के तीन सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर जिनकी नेटवर्थ जानने के बाद आप भी बोलेंगे मैं नहीं मानता। और नंबर वन वाले चीफ मिनिस्टर के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वह इतने पैसे में दो जवान फिल्म भी बना सकते हैं। नंबर थ्री पर ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक आते हैं। नवीन पटनायक जी ओडिशा में सन 2000 से चीफ मिनिस्टर हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनके पास 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। नंबर टू पर अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आते हैं। पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश में 2016 से लगातार चीफ मिनिस्टर है। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनके पास 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। नंबर वन पर जाने से पहले अगर आप लोग इंडिया से तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरे कंट्री से तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर वन पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी आते हैं। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में 2019 से चीफ मिनिस्टर हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनके पास 530 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है।